अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इतनी किस्मत खराब थी कि ये बीवी मिली। इतने कीड़ों के बीच कोई औरत शांति से कैसे सो सकती है? मैंने सोचा भी नहीं था, पर आज मैंने देख लिया कि ये औरत सो सकती है। अरे सुनती हो? अरे सुनती हो? अरे चलो उठ भी जाओ, सूरज भी जा गया। अच्छा आप आ भी गए? अरे मैं तो बहुत पहले ही आ गया था भाग्यवान। तुम इन कीड़ों के बीच कैसे सो सकती हो वही देख रहा था मैं। हाँ? क्या बोल रहे हो तुम? हमारी शादी को 10 साल हो गए, तुम अभी खड़े खड़े मेरा ही मुंह देखे जा रहे हो। मैं क्या इतनी खूबसूरत हूँ बताओ जरा? अरे हाँ तुम तो जानती हो, तुम तो मेरी नई नवेली दुल्हन हो। सब खराब चीजें ही तुम्हारे ऊपर आकर तो बैठती है। जैसे ये कीड़े अभी तुम्हारे ऊपर बैठे थे। क्या कह रहे हो? अरे सही तो कह रहा हूँ ना भाग्यवान, मेरे गुरुदेव ने बोला कि कल के दिन वो हमारे घर पर आ रहे हैं। मेरे गुरुजी को ये सब गंदगी और कीड़े पसंद नहीं है। हाँ कितनी बार तो बोल चुका हूँ कि घर को साफ सुथरा रखा करो, लेकिन तुम मेरी बातें सुनती कहाँ हो? हाँ देखो मेरा घर तो जैसा है वैसा ही रहेगा। गुरुजी को यहाँ पे रहना है तो रहे, वरना यहाँ से चले जाएं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत बोलो भाग्यवान, ऐसा मत बोलो। मेरे गुरुदेव कोई मामूली गुरुदेव नहीं है, वो बहुत ही गुस्से वाले हैं। हाँ मेरे गुरुजी जो भी गुस्से में बोलते हैं वो सब सच हो जाता है, समझी तुम? एक काम करो, उनको बोलो यहाँ पे घर की साफ सफाई करके रह जाए, मैं कुछ नहीं करने वाली उनके लिए। अरे मेरी जिंदगी तो नरक हो चुकी है, नरक हो चुकी है। अब थोड़ी दया दिखला के मुझे थोड़ा खाना खिला दोगी? मैं हाथ पैर धो के आता हूँ। अरे ये क्या है भाग्यवान? अरे देखो तो सही, मेरे खाने के अंदर भी कीड़े घूम रहे हैं। अरे देखो तो सही, मुझे ये वाला खाना खिलाओगी? अरे छोड़ो, छोटा सा ही तो कीड़ा है, वो कितना खाना खा लेगा? वो जब खा लेगा तो उसके बाद तुम खा लेना, ठीक है? मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। बच्चा घर पर हो? दरवाजा खोल, हम आए हैं। अरे गुरुदेव आप आ गए, आप आ गए गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे घर को आपके पैर लग गए। मेरा घर तो आज धन्य धन्य हो गया कि आप आ गए गुरुदेव, आप आ गए। बाप रे, तेरे घर में तो इतनी धूल है कि मेरे चरणों की धूल की क्या जरूरत है तुझे? मतलब कुछ भी बुरा मत मानिए आप गुरुदेव, वो क्या है ना कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, वो एक हाथ से काम नहीं कर सकती ही। हाँ आप थोड़ा समझ ही सकते हो ना। वो मतलब गुरुदेव। समझ गया, मैं इतनी दूर से चल कर आया हूँ, जल वल कुछ पूछोगे कि नहीं? लो जी मैं आपके लिए जल लेकर ही आ रही हूँ, पियो। अरे ये देखिए, आपने देखा ना गुरुदेव। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मूर्खों, जल के अंदर कीड़े, और वही जल हमें पीने के लिए दिया। ऐसे क्यों कुछ बोल रहे हो गुरुजी, एक छोटा सा कीड़ा ही तो है, पी लीजिए। हमें तो इन कीड़ों के साथ रहने की आदत हो गई है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कीड़ों के साथ रहते रहते तुम भी एक दिन कीड़ा ही बन जाओगी, ये श्राप है मेरा। अरे गुरुदेव, गुरुदेव देखिए, गुस्सा मत होइए। हाँ तुम्हारे गुरुजी का ज्यादा ही गुस्सा है, उन्होंने मुझे बोला कीड़ा बन जाऊंगी, देखो मैं कोई बन गई क्या? देखो देखो, अच्छे से देखो मुझे। अरे ओ भाग्यवान, घर में इतना अंधेरा करके क्यों सो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे नहीं रे नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, बहुत बड़ी मुसीबत, सर्वनाश हो गया। अरे सर्वनाश सर्वनाश बोल रही हो, पर क्या हुआ वो तो बोलो। गुरुजी की बात सच हो गई, मैं कीड़ा बन गई हूँ, देखो मुझे।
अब से मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, एक कीड़ा बन गई हूँ। अरे हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं, ये सब क्या हो गया। जिसने मुझे कीड़ा बना दिया वही मुझे इंसान बना सकता है। जल्दी से आप गुरुजी के पास जाओ और मुझे ठीक करवाओ उनसे, सिर्फ वही ठीक कर सकते हैं मुझे। अरे देखो भगवान, अब रोना मत, मैं अभी जाता हूँ मेरे गुरुजी के पास। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं, मैं अभी जाता हूँ उनके पास, अभी जाता हूँ। ओहो, खाना बनाते बनाते नमक ही खत्म हो गया। नमक के बिना खाना बनता है क्या? जाके थोड़ा नमक मांग के लाती हूँ। अरे बाप रे, ये क्या है? ये कीड़ा बन गई है। अरे बाप रे, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मैं वादा करता हूँ कि मुझसे आगे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। दया कीजिए गुरुदेव, मेरी बीवी को पहले जैसा कर दीजिए, वो बहुत ही भोली है गुरुदेव। अरे पगले, बीवी को जाकर बता, मनुष्य और कीड़ों के बीच में काफी अंतर होता है। मनुष्य है वहाँ कीड़े होंगे, तो मनुष्य होने का फायदा ही क्या है। आपकी श्राप के वजह से उसे बहुत बड़ी सीख मिल चुकी है गुरुदेव, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए तो भाग भाग के मैं आपके पास आ गया हूँ गुरुदेव। ठीक है, घर लौट जा, देखना तेरी बीवी अब सामान्य हो गई होगी। जाओ घर। वो देखो कीड़ा बहू खड़ी है उधर। अरे वो देखो, हमारे गांव में ऐसा जीव जंतु तो था नहीं, अब कहां से आ गया पता नहीं। नहीं, इसको जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है, मुझे तो लगता है यही उन लोगों का सरदार है। हाँ, इसे मार डालो। अरे ये क्या, ये सब लोग तो मिलकर मुझे मार डालेंगे, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ बचकर, क्या करूँ। मेरा पति भी तो घर पर नहीं है, कहाँ जाऊँ मैं। है, उसे बिल्कुल मत छोड़ना, मारो उसको, हमारे घर पे सारे कीड़े खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे मत मारो। अगर मुझे मारोगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। क्या करोगी, हम लोग तो 10 लोग हैं, तुम इकलौती हो, क्या करोगी? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे सिपाही हैं, मैं इनकी रानी हूँ। सिपाही आ जाओ इन पर हमला करने के लिए, कहाँ हो, आ जाओ इन पर आक्रमण करने के लिए, जल्दी बाहर आओ। जो भी मुझे खत्म करने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगी। अरे भगवान, सुनो तो सही, अरे गुरुजी ने अपना श्राप वापस ले लिया, अब तुम ठीक पहले जैसी हो जाओगी। अरे ये क्या, आप सब लोग मेरे घर के सामने लाठी लेकर क्यों खड़े हो, आखिर बात क्या है? क्या बात है पूछ रहे हो, तुम्हारे बगल में इतना बड़ा कीड़ा है और भी पूछ रहे हो? अरे ये कोई कीड़ा बीड़ा नहीं है, ये तो मेरी पत्नी है, मेरी शालीन सी पत्नी। हाँ ये कीड़ा नहीं है, मेरे गुरुजी के श्राप की वजह से ये सब हुआ था। देखो, अब ठीक पहले जैसी होगी, देखो। अरे ये तो वही है, क्या चमत्कार है ये। ओ देखिए, मैं ठीक हो गई हूँ, श्राप से मुक्त हो गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, फिर से आ गए। मैं कैसे इनसे बचूं, क्या मुसीबत है ये, मुझे बचाओ, इन कीड़ों से बचाओ मुझे। हाँ।
ओहो, अब मुझे नया जगह ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए।